मान सम्मान के योगे हम सबके गुरुग्राम शहर के लाडले बड़े भाई नवीन गोयल जी और वेदपाल राघव जी और व्यापार मंडल के प्रधान भाई सुरेश जी और सभी का शहर नाम मैं नहीं जान पाऊंगा, महेश सारवान जी और यहाँ बैठे सभी मेरे देवतुल्य और आसपास हो और यहाँ पहुँचने पर नवीन भाई का दिल की गहराई से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं कोई वक्ता नहीं ना कोई मैं नेता हूँ, लेकिन बड़े भाई ने जैसा मुझे आदेश किया उसकी पालना मेरा सर्वप्रिय कर्तव्य है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे बड़े भाई नवीन गोयल जी पूर्व में पर्यावरण प्रकोष्ठ के प्रदेश के अध्यक्ष थे, जिस दायित्व को अच्छी तरह निभाते हुए उन्होंने गुड़गांव के पर्यावरण को सुधारने में एक अहम भूमिका निभाई। जिस तरह इनके भाई साहब डीपी गोयल जी कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं तो मैं राम लक्ष्मण की जोड़ी कहूँ तो कोई कम नहीं होगा। वो सारवान मैं हरियाणा बाल्मीकि महासभा का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, ओम नगर शांति नगर का प्रधान हूँ मैं। आपको जानकर बड़े खुशी होगी कि ओम नगर शांति नगर इवन हरिनगर ये शिव कॉलोनी आसपास की 5-7 कॉलोनियों के लिए जब हमने बोला ना हमारे यहाँ रोड की ये समस्या है, सीवर की ये समस्या है। देखो अभी नवीन जी कोई विधायक नहीं कुछ किया, पर इन्होंने ना अपना पूरा जोर लगा दिया कमल गुप्ता तक हमारी उस बात को उठा के ना आज उन कॉलोनी में रोड भी बन गए, सीवर के वो भी डल गया। अरे बहुत बड़ी बात, आप शायद सभी ओम नगर से वाकिफ हैं, ऐसा तो नहीं है ओम नगर ज्यादा दूर नहीं आपके साथ में, ओम नगर है और वार्ड 28 में आता है। ओम नगर के अंदर पहले हमारे पास एक बहुत पुरानी सी धर्मशाला हुआ करती थी। देखो मेरी इतनी हैसियत नहीं जो मैं जल्दी भाई के लिए बताऊं। तो सम्मानित सभी व्यापारीगण जिन्होंने इतना अपना कीमती समय निकाल करके इस सभा को इतना अच्छा आयोजन यहाँ पे बनाया है, तो सबसे पहले मैं सबका तहे दिल से व्यापार मंडल पूरे व्यापार मंडल की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारे केंद्र हमारे पूरे भारत को चला रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, वो 23 घंटे या 22 घंटे या 20 घंटे काम करते, मैंने समझता कितने घंटे करते मुझे नहीं पता, लेकिन गुड़गांव के लिए जरूर पता है।
कि गुड़गावा के लिए 18 घंटे 20 घंटे या 22 घंटे मेरी गारंटी है नवीन गोयल जी काम करते ही है। और ये तो हाल जब है जब भाई साहब के पास कोई किसी प्रकार की कोई चाबी नहीं रखी, भाई साहब बिना चाबी के अभी इतना काम कर रहे हैं, तो हमें तो क्या करना है, हमें तो सिर्फ चाबी मारनी है, सिर्फ चाबी, बाकी बिना चाबी के जब हमारा इतना सुंदर काम हो रहा है, भाई साहब इतनी ताकत से हमारे व्यापारियों के लिए इतना कुछ करके दिखा रहे हैं, डिटेल में कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। तो एक चाबी भरनी है, कुछ चाबी भरने का हमें काम करना है, जिसका मुझे मैं समझता हूँ कि जितने भी बैठे हैं सबके सब इस बात में ताली बजाकर भागोगी चाबी भरने के लिए। सम्मानित पत्र इस खुशी में कि भाई साहब को व्यापार को उसका संयोजक बनाया है उसको देते हुए भावी MLA नवीन गोयल जी, मंचा सिंह व्यापार मंडल के पदाधिकारी, मैं यहाँ पहुँचने पर आपका स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। और जितने भी व्यापारी भाई यहाँ आए हैं, मैं हृदय की गहराइयों से उनका भी आभार प्रकट करता हूँ कि वो काम के समय में हमारे प्रिय नेता नवीन गोयल जी के लिए यहाँ पधारे। उन्होंने पगड़ी पहनाकर नवीन जी को आशीर्वाद दिया, हमें बड़ी खुशी है इस बात की। भारत माता की जय, श्री राम जय, श्री राम। एक बार जोरदार दोनों मुट्ठी बंद करके एक बार नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता के वंदे। और 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर बना, बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज हमारा खांडसा रोड व्यापार मंडल द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और इस कार्यक्रम में यहाँ पर जो भी बड़े छोटे बैठे हैं, ये मेरे सौजन हैं, मेरे परिवारजन हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी का इस सुंदर कार्यक्रम के लिए चार लाइनों से अपनी बात को शुरू करता हूँ, और वो चार बातें भी जोड़ी हैं DP और नवीन की, और ऐसे ही हमारे दोनों बड़े भाई भाई सी। एक बार तो मैं अजय भाई के लिए जोरदार तालियां चाहूँगा, बड़े ही पिछले 20 वर्षों से सामाजिक शख्सियत के तौर पर सबके दुख सुख में शामिल होते हैं, और हमने भी भाई से बहुत कुछ सीखने को मिला है। मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई हरे रामा हरे कृष्णा से अजय गोयल जी, बहुत ही अच्छे समाज से भी भाई विजय गर्ग जी, हमारे यहाँ पर एक जोड़ी और जो भी हमारे प्रधान भी हैं सुरेश मंगला जी, हमारा जो उत्सव ज्ञानचंद विपिन कुमार, मुझे तो एक एक संस्था का एक एक फर्म का नाम भी पता है, सही मैं बता दूँ सदाबहार मसाले वाले हरे राम हरे कृष्णा वाले, तो हमारे दोनों भाई सुरेश जी राजेश जी मेरे से पूर्व में विचार रखे, और आप दोनों भी महेश सारवन जी हमारे दलित समाज के नेता भी हैं, बहुत अच्छे समाज सेवी भी हैं, क्षेत्र की एक एक समस्या को जानते भी हैं, और ये खांडसा रोड के मुख्य मुख्य लोग सब यहाँ पर एक ही कार्यक्रम में मिलने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। विजय गर्ग जी नवीन भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने व्यापार प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक नियुक्त किया है, और आज हमारे खांडसा रोड के व्यापार मंडल के द्वारा एक अभिनंदन समारोह रखा गया, और मैं तो अभिनंदन ही नहीं, मैं तो इसको आशीर्वाद समारोह मानता हूँ। और मैं सबसे मिलने के लिए, व्यापारियों की समस्याओं को सुनने के लिए और साथ के साथ आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। आज पूरे देश और प्रदेश के अंदर माननीय मोदी जी और मनोहर लाल जी की जोड़ी ने, मोदी जी ने 10 साल, माननीय मनोहर जी ने 9.5 साल, और आज उसी क्रम को माननीय नायब सैनी जी, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी,
चाहे वो हर वर्ग के लिए, चाहे वो दलित भाई हों, चाहे मजदूर भाई हों, चाहे कर्मचारी भाई हों, चाहे व्यापारी भाई हों, चाहे महिला युवा के लिए, सभी के सम्मान के अंदर योजनाएं जो बनाई और उसमें पूरे प्रदेश का चहुंमुखी विकास हो रहा है। तो मैं निश्चय दावे से कहना चाहता हूं, पिछले 9-9.5 सालों में व्यापारियों के हित सुरक्षित रखे गए, इंस्पेक्टरी राज को ख़त्म किया गया, तय बाजारी की दुकानों को मालिकियत का प्रावधान मिला, सब्जी मंडियों के अंदर HRD फीस को कम किया गया, हमारे जिन भी व्यापारी भाइयों के दुकानों में आगजनी हुई, किसी भी कारण से कोई नुकसान हुआ उसकी भरपाई की गई, हर तरीके की व्यवस्था को ऑनलाइन सुगम किया गया, उसके लिए आज इस मंच के माध्यम से धन्यवाद भी किया गया। और आगे आने वाले समय में कि आज की तारीख में क्योंकि ऑनलाइन व्यापार के अंदर हमारे छोटे दुकानदार भाइयों को ज़्यादा दिक्कतें आने लग गई हैं, तो लोगों से अपील भी करता हूँ कि हमारे छोटे दुकानदार भाइयों से ही सामान खरीदें और अपना जो बाज़ार का स्वरूप होता है, बड़ी बड़ी चीज़ें तो ऑनलाइन मिल जाती हैं, लेकिन कहते हैं ना, अगर हवन सामग्री का सामान चाहिए हो या पंसारट का सामान चाहिए हो तो बाज़ार में आना ही पड़ता है। तो बाज़ार का जो स्वरूप होता है उसको हमने आगे बढ़ाना है, जिंदा रखना है, और छोटे दुकानदार भाइयों की हमें चिंता करनी है। और यहाँ पर जितने भी सम्मानित व्यापारी भाई हैं, मैं कहना चाहता हूँ उनका गुड़गावा की तरक्की में भी विशेष योगदान है, बहुत ही बुद्धिजीवी वर्ग है, जिसको भी साथ जुड़ता है, आशीर्वाद देता है, उसकी पूरी अप डाउन्स, कमियाँ क्या हैं, अच्छाइयाँ क्या हैं, उसका कैलकुलेशन भी करता है, और जिसके साथ जुड़ता है उसका तन मन धन से साथ भी देता है। तो मैं व्यापारी भाइयों को ये भी कहना चाहता हूँ कि सरकार के अंदर किसी भी छोटे अफसर को, बड़े अफसर को, किसी को भी 1 रुपया रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। खुल के काम करिए, खूब तरक्की करिए, पूरा टैक्स दीजिए, आगे बढ़िए। ये शुभकामनाएं प्रधानमंत्री कि देखिए, हमारे छोटे छोटे स्टार्टअप्स माननीय मोदी जी ने आगे इनको मोटिवेट करने के लिए, स्किल इंडिया के लिए, वोकल फॉर लोकल, इन सब बातों का असर आम जन के ऊपर पूरा आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि पकौड़े बनाए चाहे, लोगों ने शुरू में मजाक जरूर बनाया, लेकिन उसका बड़ा विशेष महत्व उस बात का है। मैं युवाओं को भी कहना चाहता हूँ कि नए नए स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाइए, नए नए मोटिवेशंस बिजनेस के अंदर लेके आइए, बहुत कुछ आगे बढ़ने का एक विजन लेकर के आगे बढ़िए। और माननीय प्रधानमंत्री जी को हमें तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है, उसका भी इस मंच के माध्यम से हमने अपील की गई है। और पूरा व्यापारी वर्ग मुझे लगता है कि आज मोदी जी के साथ ही है, तो हम सब दोबारा इस बात की चिंता करें कि अपने व्यापारी व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए हमें वोकल फॉर लोकल भी बनना है। देखिए, अगर मैं प्रधानमंत्री जी के काम गिनाने लग जाऊं तो घंटे लग जाएंगे, लेकिन हमारे देश के अंदर हिंदुत्व को मजबूत करने की बात हो, राम मंदिर बनाने की बात, 370 धारा हटाने की बात, 3 तलाक जैसे काले कानून हटाने की बात, वन रैंक वन पेंशन लागू करने वाली बात हो, उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से बहनों को गैस वितरण करने की बात हो, चाहे घर बैठे कोरोना की दवाई सबको वैक्सीनेशन ना केवल देश को, देश के बाहर के विदेशों को भी देने की बात हो, किसानों के खाते में हर महीने पैसे पहुंचाने की बात हो, चाहे पूरे देश की छवि पूरे विश्व के अंदर बढ़ाने की बात हो, माननीय प्रधानमंत्री जी का कोई तोड़ नहीं है, कोई उनका सानी नहीं है। आज पूरे देश ने अंदर मन बना लिया है कि अब की बार तीसरी बार 400 पार ये आवाज़ हर आदमी की आवाज़ से आ रही है। रिजल्ट तो आ गया है, बस डिक्लेयर होना बाकी है।